आगे की तरफ खींचेंगे सामने, ड्राइविंग मोड में आ गया, हैंड ब्रेक डाउन है। अब हमको सिर्फ ब्रेक से पैर हटाना है। हम अगर ये गाड़ी है, आप देख सकते हैं BMW का लोगो, कि आपको इसके फीचर्स के बारे में अंदर की फीचर्स जानते हैं NNTV के जरिए से। तो मैंने इसका दरवाज़ा बंद कर दिया, ये मैंने इसके यहाँ से लाइट चालू कर दिया, पावर ऑन। ये देखिए, ये ऑटोमेटिक गाड़ी, इसके पहले हमने आपको बताए थे GT मॉडल है ये BMW का। इसमें ये गियर है यहाँ पे, इसमें यहाँ हैंड ब्रेक, ये म्यूजिक सिस्टम कवर करने के लिए साउंड, ये नीचे ऑटोमेटिक गाड़ी में जो होता है, और ये बटन दबाए, ये हो गई गाड़ी स्टार्ट। ये हैंड ब्रेक डाउन किए। व्यूअर्स, तो BMW GT का कुछ फीचर्स हम आपको बता रहे हैं। तो ये जो आप बटन देख रहे हैं, ये जॉयस्टिक है, पूरी कार का जो डिस्प्ले होता है, जैसा ये डिस्प्ले है, ये जॉयस्टिक है, इसको कंट्रोल करेंगे। मैं ये देखिए, ये मैं जॉयस्टिक से अप एंड डाउन कर रहा हूँ। ये आपको चलती गाड़ी में यहाँ तक भी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, आप ड्राइविंग मोड में रहिए, बैठे रहिए, और इस बटन से ही आप पूरे सिस्टम को ऑपरेट कर सकते हैं। आप जैसा ये न्यूट्रल में है, अब गाड़ी हमको पार्क करना है, तो ये हमने बटन दबाए, ये जो P है इसको हमने दबा दिए, ये P फॉर पार्किंग। अब P फॉर पार्किंग आ गया। अब हम इंजन ऑफ करने के लिए बटन को पुश करेंगे, ये हो गया इंजन ऑफ। अभी गाड़ी पूरी तरीके से बंद नहीं हुई है, क्योंकि हमारा पैर जो है ब्रेक पर है। अब ये जब हम अपना पैर ब्रेक से हटाएंगे, वापस से इस बटन को पावर के एक बार और टच करेंगे, अब ये पूरा सिस्टम हो गया। और है, अब ये हमने सिस्टम को बंद किया। लेकिन तो व्यूअर्स, गाड़ी को जो चालू करने का तरीका है, कभी भी याद रखना, अपने ऑटोमेटिक जो भी गाड़ियाँ होंगी, कोई भी हो, BMW हो, ऑडी हो, मर्सिडीज हो, ये जो बटन है स्टार्ट का, ये डायरेक्ट बटन अगर आप दबाओगे तो चालू नहीं होंगी गाड़ी, जब तक आपका पैर ब्रेक पर नहीं होगा। ये ब्रेक पर पहले आपको पैर रखना है, फिर ये बटन को दबा के छोड़ देना है। अब ये गाड़ी हो गई चालू। देखिए, आपको मैं ये साउंड सुनाने के लिए, ये हो गई गाड़ी स्टार्ट। अब मुझे गियर लगाना है, तो यहाँ पहले मैं लाइट चालू कर दूँ। ये जो बटन आप देख रहे हैं साइड में, ये बटन को पुश करके आगे की तरफ खींचेंगे सामने, ड्राइविंग मोड में आ गया, हैंड ब्रेक डाउन है। अब हमको सिर्फ ब्रेक से पैर हटाना है। हम अगर क्लच नहीं भी दबाएंगे, तो हमको सिर्फ ब्रेक से पैर हटाना है, और ये हमारी गाड़ी चल रही है। आप देख सकते हैं ये गाड़ी चल रही है। तो व्यूअर्स, इसमें गियर मोड ज़्यादा नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, बार बार गियर बदलने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको ब्रेक पर पैर रखना है और गाड़ी स्मूथली ड्राइविंग करना है आपको। तो ये कुछ डेमो ड्राइविंग थी, लॉन्ग ड्राइव पर भी हम आपको लेके जाएंगे। अब ब्रेक से मैंने पैर नहीं हटाया है, ये बटन को मैं पुश करूँगा, वापस से पीछे पुश करूँगा, ये न्यूट्रल पर आ गई है गाड़ी, आर रिवर्स एंड न्यूट्रल, डी ड्राइव मोड, ये फीचर्स है। अब मुझे गाड़ी को बंद करना है, ये मैंने बटन दबाया, ये गाड़ी हो गई। जब पूरी तरीके से फुल लॉक करना है, तो हम गाड़ी से बाहर उतरेंगे, पूरे डोर बंद करके इस बटन को पुश करेंगे, तो गाड़ी पूरी तरह से लॉक हो जाएगी। बने रहिए NNTV के साथ। वीडियो अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, तो इस वीडियो को शेयर कीजिए। इस गाड़ी की कॉस्ट, और अगर आपको ये गाड़ी खरीदना है, तो इसकी पूरी डिटेल हम नेक्स्ट वीडियो में आपको देंगे। सब्सक्राइब कीजिए NNTV यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए। बने रहे NNTV के साथ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।